नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन दत्ता आपको अपने YouTube चैनल बाबा हकीम द्राबा वाले में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए एपिसोड में इसके साथ आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं जो नुस्खा अपने आप में बहुत वजूद रखता है और ये कई सारी बीमारियों में काम आता है। पहले दोस्तों, सबसे पहले आप कॉपी पेन लीजिए, जो जो चीज़ें जो जो जड़ी बूटी नुस्खे में इस्तेमाल होती हैं वो लिख लें। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल बाबा हकीम द्राबा वाला जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए जो चीज़ चाहिए, जो जड़ी बूटी चाहिए, उसका नाम है सताबर। सताबर दिखने में कुछ इस तरह से होती है। दूसरी जो आपको जड़ी बूटी चाहिए उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा कुछ इस तरह की होती है और इसको यूनानी में अश्वगंधे नगोरी के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो जड़ी बूटी, जो सबसे अहम जड़ी बूटी है, उसको सफ़ेद मूसली कहा जाता है। सफ़ेद मूसली दिखने में ऐसी होती है। और दोस्तों, सफ़ेद मूसली लेते वक्त आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये अच्छी क्वालिटी की हो और उमदा हो और ऐसे टक करके टूटनी चाहिए। चौथी जो आपको चीज़ चाहिए वो है परवाल पिस्ती। यह परवाल पिस्ती यूनानी में इसको कुश्ता परवाल भी कहा जाता है। चौथी जो आपको चीज़ चाहिए, पांचवी जो चीज़ आपको चाहिए, उसका नाम है लोह भस्म। इसको यूनानी में कुश्ता फलाद के नाम से भी जाना जाता है। छठी जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए वंग भस्म। इसको आयुर्वेद में वंग भस्म कहा जाता है। यूनानी में इसे कुश्ता कलाई के नाम से मशहूर दवा है, आम जगह से मिलती है। और ये वंग भस्म, इसको कुश्ता कलाई भी कहा जाता है यूनानी के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपने 100-100 ग्राम ये तीन जड़ी बूटी लेनी है। 100 ग्राम सताबर लेनी है, 100 ग्राम अश्वगंधा लेनी है, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली लेनी है। इनको कूट छान कर 10-10 ग्राम आपने ये कुश्ते मिलाने हैं, ये भस्में तीनों मिलानी हैं, तो आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस नुस्खे को आपने सुबह शाम दूध के साथ आधा चम्मच लेना है, आधा चम्मच शाम को लेना है। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि सुबह हल्की ब्रेकफास्ट करने के बाद इस नुस्खे को ले लें तो एक घंटे तक कुछ खाएं मत। एक घंटे के बाद आप अपनी रूटीन वाइज जो ब्रेकफास्ट है वो कर सकते हैं। और जब रात को ये नुस्खा लें तो रात का खाना खाया हुआ कम से कम 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए, ताकि आपका जो पहले खाना है लिया हो, खाया हो, अच्छी तरह से पच गया हो, उसके बाद ही आप ये नुस्खा लेना शुरू करें। आइए जानिए दोस्तों, मैं इस नुस्खे के आपको फायदे बताता हूँ। सबसे पहले, सफ़ेद मूसली होने से इस नुस्खे का सबसे बड़ा फायदा है, ये आपको बल वीर्य देता है, जिंसी और जिस्मानी ताकत दोनों देता है और काम इच्छा की जागृति करता है। क्योंकि सेक्सुअल वीकनेस के लिए सफ़ेद मूसली को काफ़ी मकदार में और काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद मूसली के और भी फायदे हैं, ये आपको शरीर का वजन बढ़ाने में भी एक अहम जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जिनकी जो दुबले पतले हैं, शरीर बनता नहीं, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये सफ़ेद मूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, उनके शरीर में का जो बदना शुरू हो जाएगा, दुबलापन दूर हो जाएगा। दूसरी दोस्तों, सताबर भी शरीर को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तीसरा अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है ये शरीर में वात रोगों को दूर करता है और शिग्राणु की वृद्धि बनाता है और ये मजबूत आपका शरीर को करता है। और अश्वगंधा का सबसे बड़ा फायदा है कि जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। चौथा दोस्तों, परवाल पिस्ती को आयुर्वेदिक कैल्शियम के नाम से जाना जाता है। परवाल पिस्ती को आयुर्वेदिक कैल्शियम के नाम से जाना जाता है। शरीर में हड्डियों की कमी को ये दूर करता है और बल बुढ़े वीर्य प्रदान करता है। जो हड्डियों की जितनी भी रिलेटेड बीमारी रहती है, शरीर में हड्डियों की कमजोर हो जाना, बढ़ती उम्र के साथ कैल्शियम की कमी जो होती है, उसको ये परवाल पिस्ती यानी कुश्ता परवाल दूर करता है। चौथा दोस्तों, ये लो भस्म का ये काम होता है कि इसको आयरन, आपके शरीर को रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन प्रोवाइड करेगा। जो लोग अनिमिक हैं, जिनको खून नहीं बन रहा, वो उनका खून प्रॉपर बनना शुरू हो जाएगा, स्वच्छ और साफ खून बनेगा लो भस्म की मदद से। इसको कुश्ता फलाद के नाम से जाना जाता है। पांचवी वो चीज़ है वंग भस्म, इसको टीन क्ले भी कहा जाता है अंग्रेजी में।
जो ये वंग भस्म है ये आपकी वीर्य को हृष्ट पुष्ट करता है और आपके शरीर के अंदर शुक्राणु की गति जो है उनको तेज करने में बहुत सहायक होता है। यानी आपके अंदर बल बुद्धि वीर्य का संचार करेगा, नए खून का संचार करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो तमाम जितनी भी जिंसी और जिस्मानी बीमारियां हैं उन सब में ये नुस्खा बहुत काम करने वाला है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा यूट्यूब चैनल, आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल बाबा हकीम द्राबा वाला जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो सबसे पहली अपडेट हो वो आप तक पहुंचे, उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये नुस्खा सही में नुस्खा हयात है, ये जिंदा जिंदगी बढ़ाने वाला नुस्खा है और शरीर की जितनी भी कमजोरी है उनको दूर करने वाला है। चाहे वो खून की कमी हो, चाहे कैल्शियम की कमी हो, या चाहे कोई और सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या कोई और सेक्सुअल डिजीज बीमारी हो, सब बीमारियों में और सब तरह में ये नुस्खा कामयाब है। एक बार इसको जरूर इस्तेमाल करें और फ़ायदा आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मैं दोबारा आऊँगा एक नए एपिसोड के साथ, आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।